नाइस फ्रूट फार्म में मैं सैयद हाजी अली आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा हमारे यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल को जैविक खाद डालने का काम हो रहा है। सीताफल के चारों ओर पहले तो हम राउंड में गड्ढा करेंगे, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह से गड्ढा होने के बाद में हाफ के जी कृषि अमृत ग्रीन गुजरात का मिक्स डोज हम हर एक झाड़ को डालेंगे। हाफ के जी से ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए कि हमारे झाड़ अभी एक साल के अंदर के हैं। राउंड में तकरीबन एक फीट का दायरा होना चाहिए हर झाड़ के चौ तरफ से। जब ये खाद डालना हो जाएगा तो हम उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे, ताकि वो खाद नज़र नहीं आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे हमने किस तरह से खाद डाला है और किस तरह से हमने उसको बंद किया हुआ है। ये देखिए, हमने यहाँ पे खाद डाल के हमने बंद किया हुआ है। खाद डाल के बाद डाल बंद करने के बाद में ड्रिप लाइन से हम पानी दे रहे हैं। इस तरह से ड्रिप लाइन से हम पानी दें, पानी हमको फौरन दे देना चाहिए। देखिए आगे चल के मैं आपको और कुछ गड्ढे में दिखा रहा हूँ कि अभी हम उसको हम बंद नहीं किए। ये देखिए, हाफ से एक फीट का दायरा हमने लिया हुआ है कंपोस्ट खाद डाल के। उसके बाद में हम गड्ढा भरेंगे, पानी देंगे। ये इसकी जो बढ़त जो है झाड़ों की बहुत धीरे से होती है, तकरीबन 15 दिन से एक महीने के बाद इसका जब ग्रोथ होगा तो उसका वीडियो मैं आगे आपको अपलोड करूंगा। ये हमने जैविक खाद डाला है, रासायनिक खाद का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, इसलिए कि वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब कभी भी आप फ्रूट खरीदे तो देखिए वो ऑर्गेनिक है क्या, ताकि वो आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।